सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा हर जीवों में साई बसा है हर जीवों में साई बसा है कोई न लागे दूजा अलग है साई पूजा अलग है साई पूजा सेवा नाम साई बंदे अलग है साई पूजा ओम साई राम। दोस्तों मेरा नाम शालिनी द्विवेदी है और आज साई पूजा चैनल के ज़रिए मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपना एक्सपीरियंस आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ। दोस्तों यूँ तो बाबा ने मुझ पर कई बार कृपा की है लेकिन आज जो बात मैं आपको बताने वाली हूँ ये कुछ स्पेशल है। एक्चुअली ये बात उस वक्त की है जब मेरी शादी नहीं तय हो पा रही थी। मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा ट्राई कर रही थी कि मेरे लिए कोई एक अच्छा सा रिश्ता मिल जाए तय हो जाए लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा था कि बात तय नहीं हो पा रही थी। और ज़्यादा परेशानी इस बात की थी कि जब कोई ऐसा रीज़न ही नहीं था कि बात ना बने तो फिर क्यों नहीं बात बन पा रही थी, क्योंकि सब कुछ सही रहता था लेकिन लास्ट मोमेंट पर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि बात कैंसिल हो जाती थी। और जैसे जैसे दिन बीत रहे थे वैसे वैसे हम लोगों की जो परेशानी थी वो भी बढ़ती जा रही थी। और मैं अब अपनी फैमिली को और ज़्यादा परेशान होते देख नहीं पा रही थी, क्योंकि आप खुद के लिए तो एक बार सब कुछ मैनेज कर सकते हैं लेकिन आप अपने लोगों को परेशान नहीं देख पाते हैं। तो मैं अपनी फैमिली को परेशान देख नहीं पा रही थी। और एक दिन तो मैं बाबा के सामने बैठी हुई थी, और क्योंकि मैं लंबे समय से बाबा की भक्त रही हूँ तो मैं बाबा के सामने बैठी थी और मैंने बाबा से कहा कि बाबा जब सब कुछ आप करते हो सब कुछ आपकी इच्छा से होता है तो फिर बात क्यों नहीं बन पा रही और हम इतना परेशान क्यों हैं। तो ऐसे ही मैं कभी कभी बाबा से बोलती थी और दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक गुरुवार के दिन क्या हुआ कि मैं बाबा का व्रत भी रखती थी तो मैं बाबा के सामने पूजा करने बैठी हुई थी और तभी हमारी डोरबेल बजी। तो मेरे भाई ने गेट खोला और उसने अंदर आकर बताया कि कुछ लोग हैं जो भजन कीर्तन कर रहे हैं और शायद वो कुछ दान दक्षिणा भी मांग रहे हैं। तो मुझे अचानक से लगा कि चलो थर्सडे है और बाबा कहते भी हैं लोगों की मदद करने को तो चलो मैं ही दे देती हूँ। मैं जैसे ही गेट पर गई तो मैंने देखा कि सामने एक बाबा खड़े हैं। उन्होंने पीले रंग के वस्त्र पहने थे, उनके माथे पर पीला चंदन लगा हुआ था और सबसे बड़ी बात कि उनके हाथों में बाबा की एक तस्वीर थी। बाबा की तस्वीर को देखकर तो मैं कुछ देर के लिए बिल्कुल इमोशनल हो गई, मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। और खैर मैंने उन बाबा जी को जब कुछ देना चाहा तो उन्होंने बोला कि बेटा तुम्हें जो कुछ भी देना है इस तस्वीर के आगे रख दो। तो मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद उन बाबा जी ने मुझसे कहा कि तुम शिरडी गई हो। एक सेकंड के लिए तो मैं चुप थी, फिर मैंने कहा कि हाँ बाबा एक बार हम लोगों का शिरडी जाना हुआ है और फिर से हम जाना चाह रहे हैं लेकिन कई दिनों से कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमारा जाना नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि तुम लोग शिरडी जाओगे लेकिन अभी नहीं, एक शुभ काम होगा तुम्हारे यहाँ उसके बाद तुम लोग शिरडी जाओगे। तो इसके बाद वो बाबा जी चले गए। फिर खैर ऐसे ही कुछ दिन बीते और एक दिन क्या हुआ कि हमारे मौसा जी जो एक शिव भक्त हैं उनके थ्रू हमारा एक पंडित जी से मिलना हुआ। उन पंडित जी ने मेरी तरफ से भगवान शिव की एक बहुत बड़ी पूजा कराई और बहुत अच्छे से कराई, तो उस पूजा से भी मुझे थोड़ी शांति मिली और शायद यही वो शुभ काम होना था जिसके बारे में उन बाबा जी ने कहा था।
इसके कुछ ही दिनों बाद हमारा शिरडी जाना भी पॉसिबल हुआ। वो शिरडी यात्रा जिसके बारे में जिसके लिए हम महीनों से कोशिश कर रहे थे, काफ़ी दिनों से जाना चाह रहे थे, इनफैक्ट कई कुछ सालों से कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारा जाना नहीं हो पा रहा था। अचानक से हमारा प्लान बन गया और हम लोग शिरडी गए। हमने बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए और इसके बाद जब हम घर वापस आए उसके एक महीने बाद ही मेरी शादी भी फिक्स हो गई। सब कुछ ऐसे हो रहा था जैसे सब कुछ अपने आप होता जा रहा था, हमें यकीन नहीं हो रहा था और मुझे तो बिल्कुल सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। मेरी शादी फिक्स हुई, इतनी अच्छी फैमिली में हुई कि जितना तो हम लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। इनफैक्ट लोगों ने भी कहा कि बिना किसी कांटेक्ट के अपने आप इतना अच्छा रिश्ता मिलना ये तो कोई चमत्कार जैसा है। और वाकई में बहुत अच्छे लोग थे वो, बहुत अच्छी फैमिली थी और मेरी शादी भी इतने अच्छे से हुई, इतने सब कुछ इतना अच्छा हुआ जितना हम लोगों ने सोचा ही नहीं था। और ये रिश्ता उन सारे रिश्तों से कहीं ज़्यादा अच्छा था जिनमें पहले बात नहीं बन पाई थी। और अब मुझे ये लगता है कि जब मैं सोचती हूँ तो लगता है कि सब कुछ बाबा की ही लीला थी। वो जो कुछ भी हो रहा था मेरी लाइफ में, जब मेरा काम नहीं बन पा रहा था, जब रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, वो सब कुछ बाबा की लीला का हिस्सा थे। और शायद ये भी मेरे लिए ही अच्छा हो रहा था जो वो रिश्ते तय नहीं हुए थे, क्योंकि शायद वो मेरे लिए सही थे ही नहीं। और सब कुछ बाबा की इच्छा से हो रहा था, मुझे पूरा यकीन हो गया था कि उस गुरुवार के दिन जो बाबा आए थे वो और कोई नहीं थे, वो हमारे साईं बाबा थे। मुझे ये भी यकीन हो गया था कि भगवान शिव और हमारे साईं बाबा एक ही हैं, जैसा हमने साईं सच्चरित्र में पढ़ा हुआ है। और मुझे बाबा पर मेरी जो भक्ति थी वो कई गुना बढ़ गई थी, मेरा विश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। और आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ, उन दिनों को याद करती हूँ जब मैं परेशान थी, तो लगता है कि मुझे परेशान होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सब कुछ तो बाबा करते हैं। जब बाबा चाहते हैं तब होता है, जैसे बाबा चाहते हैं तब होता है। और जब बाबा करते हैं, जब बाबा देते हैं ना, तो इतना देते हैं जितना हम एक्सपेक्ट भी नहीं करते हैं। तो इसलिए मेरा आप सभी साईं भक्तों से यही कहना है कि बाबा पर भरोसा रखिए और बाबा की भक्ति में लगे रहिए, गरीबों की मदद करिए, दीन दुखियों की सेवा करिए, क्योंकि यही सब काम है जिनके लिए बाबा ने हमसे कहा है। बाबा तो हमसे सिर्फ भक्ति चाहते हैं, सिर्फ यही कहते हैं कि लोगों की मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो मेरा आप सभी से यही कहना है कि बाबा पर विश्वास रखिए। और बाबा सब कुछ वही करते हैं, हमें बस बाबा की राह पर चलना है, बाबा को मानना है, बाबा की कही हुई बातों को मानना है। और बाबा की दोस्तों हम सभी साईं भक्तों पर कृपा बनी रहे, उनकी कृपा से हमारा जीवन चलता रहे। इसी प्रार्थना के साथ ओम साईं राम। जानी हम